स्कूल विच हर रोज सवेरे अध्यापका जी साडी सफाई वेखदे हन। पहला वांग इस सोमवार नु भी अध्यापका जी ने सफाई वेखी। पहला साडी जमात दे कमरे दी सफाई वेखी, कमरा बिल्कुल साफ सी। आज मेरी ते मनबीर दी सफाई दी वारी सी। उना ने साडी दोवां दी प्रशंसा कीती। फिर अध्यापका जी ने सब दे नौ वेखे, हाथ वेखे अते पैर भी वेखे। फिर मुस्कुरा के कहन लगे, तुहाडी जमात बहुत चंगी है, पढ़ाई विच भी तुसी होशियार हो, की एक गुजारत बुझोगे? असी सारिया ने कहा, हां जी बुझांगे। भैन जी ने बुझारत पाई, एक डब्बी विच 32 दाने, बुझण वाले बड़े सियाने। कईयां बच्चियां ने हाथ खड़े कर ले, पर अध्यापका जी ने जसप्रीत वाले इशारा कीता। जसप्रीत ने कहा, दंद। भैन जी ने कहा, केड़े दंद? जसप्रीत हसदियां अपने दंद विखा के कहन लगी, ए दंद। भैन जी ने कहा, तेरे दंद तां बड़े सोहने हन। हां, कल नू डॉक्टर ने तुहाडे दंद वेखण लई आउणा है। तुसी सारिया ने हसदिया हसदिया दंद विखाउणे हन। ओ तुहाडे दंदां दी सफाई वेखणगे। तुसी इसे तरह साफ सुथरे बन के आउणा। अपनी जमात दा कमरा भी साफ रखना, ठीक है? सारे बोले, हां जी। जदों अध्यापका जी चले गए, आशू ता खिड़खिड़ करके हस पिया। कल नू डॉक्टर ने साडे दंद वेखणे हन। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਟਪੋਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਦੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟੀ तेरे दंद ता मोतियां वर्गे चिट्टे हन, जरा मुंह अट वेखा अंदरों खराब ता नहीं। फिर डॉक्टर कहन लगी, शाबाश बेटी, तेरे दंद मजबूत भी हन, तदे ता तेरी सेहत इनी चंगी है। अच्छा ए दस, तू दंदा नु किवें साफ रखती है? अमन बोली, जी मैं हर वारी खाना खान तो पिछो चंगी तरह कुरली करदी हां, सवेरे सवेरे किक्कर दी दातण भी करदी हां, मेरे मम्मी डैडी भी दातन करदे हन। बहुत अच्छे बच्चे हो तुसी, डॉक्टर ने कहा। फिर मेरी वारी आई, उना ने मेरे दंद भी वेखे। फिर ओ बोली, बेटे तेरे दंद बहुत सोने हन, चंगा दस दंद साडे की काम आंदे हन? मैं कहा, जी ए तां खान दे काम आंदे हन, होर मेनू पता नहीं। साडे अध्यापका जी बोले, तुसी ए अखौत सुनी होनी है, हाथी दे दंद खान दे होर ते विखाउण दे होर, साडे दंद दोवें काम करदे हन। इन्हां नाल भोजन चबाया जांदा है, ए वेखण नूं भी सोहणे लगदे हन, इस लई ए खान लई भी हन ते विखाउण लई भी। क्यों डॉक्टर जी? डॉक्टर ने कहा, ए बिल्कुल ठीक है। दंदां दी डॉक्टर एक एक बच्चे दे दंद वेखदी, नाल ही कुछ ना कुछ दंदां बारे दसदी। दंद भी साडे शरीर दा महत्वपूर्ण अंग हन, साडे सारे अंग मजबूत होन तां सेहत चंगी हुंदी है, कोई एक अंग खराब होवे तां उस दा माड़ा असर शरीर दे सारे अंगा उत्ते पैंदा है। दंद खराब होन तां भोजन ठीक तरह चिथिया नहीं जांदा, हाजमा खराब रहिंदा है। प्यारे बच्चेओ, तुसी पंजाबी दी एक अखौत सुनी होनी है, अखे कन गए तां राग गया, दंद गए ता स्वाद गया। ए गल सही है, पामे भोजन दा स्वाद जीभ दसदी है, पर भोजन ता ही आनंद दिंदा है जे साडे दंद मजबूत होन। उंज ता अज कल बनौटी दंद लग जाते हन, फिर भी असली दंदा दी रीस नहीं है। दंद बोलन विच भी साडी सहायता करदे हन, दंद ना होन ता साडी आवाज स्पष्ट नहीं होवेगी। डॉक्टर जी, तत्ता ठंडा खान बारे भी कुछ दसो, अध्यापका जी ने पूछा। बहुत गर्म जा बहुत ठंडा भोजन नहीं खाना चाहिदा, अजेहे भोजन खान नाल दंदा उते बुरा असर पैंदा है। डॉक्टर ने दसिया, इस पिछो अध्यापका जी ने कहा, अच्छा बच्चियो तुसी कुछ पूछना है ता पूछो। तद बलविंदर खड़ी हो गई ते कहन लगी,
डॉक्टर जी, सख्त चीजा खानिया चाहिदियां हन जा नरम? मेरे दादी जी कहंदे हन कि गन्ने चुपण नाल दंदा दी कसरत हुंदी है। बेटी ने बहुत चंगा सवाल पूछया है। पुन्ने दाने चबण, गन्ने चुपण, गाजर मूलियां जईयां कच्चियां सब्जियां खान नाल दंद मजबूत हुंदे हन। ज्यादा मठियाईयां खान नाल, खास करके टॉफियां खान नाल दंद खराब हो जांदे हन, डॉक्टर ने दस्या। जान लग्या डॉक्टर ने दंदा दी संभाल बारे तीन चार गल्ला चेते रखन लई कहा। एक ता जद भी कुछ खाओ उस तो पिछों कुरली जां बुरश करके दंदा नू साफ कर लवो। दिन विच हर वेले कुछ ना कुछ खांदे रहन दी आदत भी ठीक नहीं, दंदा विच भोजन दे कण फस जांदे हन। एक कण सड़ के दंदा नू कमजोर करदे हन, मुंह विचों भी दुर्गंध आउण लग पैंदी है। दंदा दी डॉक्टर फिर बोली, बच्चों जिवें चंगा भोजन खान नाल शरीर तकड़ा हुंदा है तिवें दंद भी मजबूत हुंदे हन। फल सब्जियां दूध आदि वरतों दंदा लई चंगी हुंदी है। तुहाडे सब दे दंद बहुत अच्छी हालत विच हन, इन्हां दी संभाल रखियो, ए बहुत कीमती हन। जदों कदे कोई दंदा दी तकलीफ होवे तां दंदा दे डॉक्टर नूं जरूर विखाओ। फिर अध्यापका जी ने स्कूल विच आए दंदा दी डॉक्टर जी अते उना दी टोली दा धन्यवाद कीता।